करें तो संवैधानिक राजतंत्र, ये देखिए वहां पर संवैधानिक राजतंत्र है, संविधान का भी और राजतंत्र। आधा पोर्शन क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स में लोग जनता के द्वारा चुने जाते हैं, राजतंत्र राजशाही भी है, सम्राट भी है वहां पर, ठीक है। ये बहुत बड़ी विशेषता है और दोनों को मैनेज करना कितनी बड़ी बात है वो ब्रिटेन अपने हिसाब से कर रहा है, ठीक है। दूसरी अलिखित संविधान, क्या अलिखित संविधान, ठीक है। तीसरे नंबर के सोचिए, इतना बड़ा देश है सब कुछ चलाना है लेकिन अलिखित संविधान, यहाँ जैसे 395 आर्टिकल्स हैं ये वो सब, इतनी बड़ी पुस्तक है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अलिखित संविधान। तीसरे नंबर की अगर बात करें एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली इसका मतलब ये है जिस तरह हमारे, हाँ हमने देखा है कि राज्यसभा में भारत में राज्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, यहाँ से मेंबर भेजे जाते हैं, इसी तरह हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अगर देखेंगे तो क्या होता है राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो वहां पर बिल्कुल नहीं होता है। एक आप इसमें जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उस तरफ लिख लेंगे कि राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्य जैसा कोई वहां पर नियम ही नहीं है, कोई मध्य प्रदेश, कोई झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो एकात्मक शासन प्रणाली है वहां पर और शासन प्रणाली में कौन रूल करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। चौथे नंबर की विशेषताएं की अगर बात करें तो वहां पर संसदीय प्रणाली, ये बहुत बड़ी विशेषता है जिसको हम लोगों ने कॉपी किया है, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और एक लास्ट बात करें तो आखिरी बात करें कि न्यायपालिका वहां पर कमजोर है, सो देखिए, हालांकि ये विशेषता नहीं है पर विशेषता में ही हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। न्यायपालिका कमजोर, ये भी एक विशेषता है कि न्यायपालिका कमजोर होने के बावजूद देश ठीक ठाक चलता रहता है। छोटे तो इतने हम लोग 5 पॉइंट पे इसको फिनिश करते हैं कि ये विशेषताएं कहाँ की है, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था की है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, एक बार हम लोग क्विक रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, हम लोगों ने ये देखा किस तरह ऐतिहासिक बैकग्राउंड था, जेम्स द्वितीय के समय पर विद्रोह होता है, फिर वहां पर लोकतंत्र की मांग होती है, राजा कमजोर होता है, उसके बाद वहां पर धीरे धीरे लोकतंत्र का विकास होता है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने आज की स्थिति की बात की कि किस तरह वहां पर सदन में व्यवस्था है, सम्राट होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 मेंबर होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबर निर्धारित नहीं है, लगभग 800 मेंबर है, हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर है, और यहाँ पर 5 साल का टेन्योर होता है, वहाँ पर पावर ज्यादा होता है हाउस ऑफ कॉमन्स के पास। तो इस तरह हम लोगों ने देखा पीएम भी उसी हाउस से होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित लोग होते हैं और ये राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 800 प्लस मेंबर वर्तमान में है। और जुडिशरी क्यों कमजोर है, हम लोगों ने बताया कि हाउस ऑफ कॉमन्स के 12 मेंबर होते हैं जो क्रिमिनल ऑफेंसेस में न्याय देते हैं, तो वहां पर जुडिशरी कमजोर होने का बनता है। विशेषताओं की अगर बात करें तो हम लोगों ने 5 पॉइंट पे यहाँ पर क्लियरली डिस्कस किया, जिसके संवैधानिक राजतंत्र हो गया, अलिखित संविधान हो गया, संसदीय प्रणाली हो गया और न्यायपालिका का कमजोर होना। ये है ब्रिटेन का मोटा मोटा आपको जानकारी कि किस तरह से वहां पर सदन है, किस तरह से शासन प्रणाली है। अगले वीडियो में हो सकेगा मैं तो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था या फिर प्रणाली को लाऊंगा, फिर धीरे धीरे ऐसे ही जो ज्यादा लाइट में रहते हैं, ज्यादा जहां जहां की हमको जानने की जरूरत रहेगी उन जगहों के हम लोग निश्चित रूप से वहां के शासन व्यवस्था को लाएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं आपके एग्जाम दे रहे हैं तो तभी आपके लिए जरूरी हो, ये आपको नॉलेज बढ़ाएगा और आपको एक समझ डेवलप हो जाएगी किस तरह से वैश्विक राजनीति चलती है और तुलनात्मक राजनीति भारत से इसको आप कंपेयर कर पाएंगे। तो ये तो रहा पॉलिटिकल साइंस